हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 66। इसके अंदर हम देखेंगे आपका फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड मेथड के बारे में कि किस तरीके से आपका फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट एंड लास्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड एलिमेंट किस तरीके से वर्क करता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं गाइज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि पेरेंट नोड पढ़ा दिया मैंने, पेरेंट एलिमेंट पढ़ाया, चिल्ड्रन पढ़ाया मैंने आपको, चाइल्ड नोड्स पढ़ाया मैंने, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये सारे के सारे हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दोबारा समझा देता हूँ। कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये डायग्राम दिखाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई आप HTML के अंदर कोई टैग लेते हैं ना, तो वो होता है आपका सबसे पहले आपका पेरेंट। ओके, पेरेंट के बाद में उसके इनसाइड जो भी आपका टैग होता है, लाइक इसमें li है तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये टैग होगा क्या, किस चीज का, ये होगा चाइल्ड का। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड ये सब कुछ देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में तीन li है, तो फर्स्ट वाला li हमारे यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड होगा, लास्ट वाला हमारे लिए लास्ट चाइल्ड होगा। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और करते हैं इसको प्रैक्टिकल के अंदर के किस तरीके से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद मैंने सबसे पहले एक फाइल बना रखी है पार्ट 66 जावास्क्रिप्ट फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड मेथड .html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने प्रीवियस के अंदर रखा था स्ट्रक्चर, वही यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इस बार भी। ठीक है, एंड फाइल कॉल करवा रखी है हमारी main.js की, एंड यहाँ पे अब ये एम्प्टी है। ओके, इसका आउटपुट कैसा मिल रहा है तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। और कंसोल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कंसोल के अंदर हमें नीड होगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इतना इनफ रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगी किस तरीके से आपको गेट करना है और चलाना है चीजों को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे करता हूँ इस चीज को पहले सबसे पहले आउटर से। ठीक है, आउटर पे इस चीज को कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी ले रहे हैं हम वहां पे। तो इस आईडी को मैं यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहां पे लिख दूंगा फर्स्ट एलिमेंट। ओके, इट मींस कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ये चीज मैंने मेंशन कर दिया, और इसको वेरिएबल के अंदर यहां पे मैं सेव कर लूंगा। ओके, एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको कंसोल में, कंसोल ये देखिए डॉट लॉग, ओके ए रख रहा हूं मैं, इस चीज को मैंने करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद में यहां हम चलेंगे, यहां पे चलने के बाद आप देखेंगे तो हमारा पहला, इट मींस कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या निकल के आया, हमारा आउटर डिव निकल के आया, इट मींस कि H1। अगर मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये डिव हमारा कहां था, इस सेक्शन के ऊपर। ओके, इट मींस कि जो आईडी थी वो सेक्शन के ऊपर थी, और जैसे ही उसका फर्स्ट एलिमेंट हमने गेट करा, एलिमेंट आपको पता है कैसे बनता है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ में और इनसाइड उसका डेटा के साथ में। ठीक है, तो डेटा यहां पर था हमारा, यहाँ पे आउटर डिव हमने लिखा हुआ है और क्लोजिंग टैग था ये, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग H1 यूज करा हमने, तो हमें ये H1 देखने को मिला फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ओके, अगर मैं इसी के अंदर इसका लास्ट एलिमेंट फाइंड करूं तो मैं यहां पे लिखना होगा मेरे को लास्ट एलिमेंट। ओके, एंड मैं यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे आऊंगा तो यहां पे इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो है आपका इनर डिव। इसने पूरा का पूरा हमें इनर डिव ही रिटर्न कर दिया। अगर आप देखेंगे यहां एलिमेंट के अंदर, तो यहां बॉडी है, बॉडी के अंदर आएंगे आउटर, आउटर के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या है, एक सेक्शन है, एक सेक्शन के ऊपर हमने एक आईडी दी थी आउटर, उस आउटर से हमने गेट करा सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट में हमारा H1 देखने को मिला, और सेकंड हमारा डिव था जो कि रैप कर रहा है बाकी डिव्स को, तो वो उसके लिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हो गया। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मिल भी रहा है देखने को, कि यहाँ पे दिखेगा आपको कि पूरा का पूरा हमें जो सेकेंड डिव है वो पूरा का पूरा रिटर्न कर रहा है हमें। ओके, अब इसके अंदर ये चीज तो होगी गेट करने की, अगर आप कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो पॉसिबल है क्या, तो मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट। ठीक है, पहले तो, एंड मैंने आपको ऑलरेडी चीजें सिखा रखी हैं और हर एक वीडियो में हम करते भी आ रहे हैं। ठीक है, डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, कलर, ये चीज मैंने मेंशन करी, और अगर मैं इस पर रेड कलर दे दूं तो क्या ये चलेगा, पहली चीज। ओके, और मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी, एंड मैं यहां कर देता हूं पेस्ट। ओके, एंड मैं इस चीज को यहां पर अभी क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, एंड इसी को हम कंसोल करवाएंगे बस। इसके बाद करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां आने के बाद आप देखेंगे आउटर डिव के बैकग्राउंड में ना रेड कलर आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, एंड वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे H1 पे देखने को मिल रही है जो कि मैंने प्रिंट करवा रखी है। इट मींस कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने गेट कर लिया जो कि चाइल्ड एलिमेंट है, किसका, आउटर का, आउटर ने उसको रैप कर रखा है, दैट्स वाई वो चाइल्ड हुआ। आउटर ने आपके उन दोनों के दोनों
इट मींस कि एच वन और डिव दोनों को रैप कर रखा है, इट मींस कि क्लोज कर रखा है। ओपनिंग टैग ये रहा आपका, क्लोजिंग ये रहा, इसलिए वो आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बना आपका, ये वाला, और लास्ट एलिमेंट आपका ये वाला डिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात आपके किसकी, फर्स्ट एंड लास्ट की। ओके, अब इसके अंदर अगर मैं लास्ट वाले को भी कलर करना चाहूं तो वो भी चलेगा क्या? यस ऑफ कोर्स। तो यहां पे आपको मैं अगर दिखाऊं लास्ट वाला करके, देखिए लास्ट लिखता हूं मैं। ओके, ये देखिए करूंगा मैं सेव। सेव करने के बाद यहां चलेंगे, तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरे के पूरे इनर का आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये देखिए। ओके, देख पा रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कोई और कलर करना तो और कोई कुछ कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं ब्लू कर देता हूं, मैं करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखें, ओके आप चाहते हैं कोई और तो यहां पे कुछ और भी कर सकते हैं आप। ये देखिए ऑरेंज करता हूं, मैं करता हूं यहां पे सेव। यहां पे चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे दोनों ऑरेंज हो गए, इसकी वजह से दिख नहीं रहा। अगर मैं यहां पे कुछ और भी करूं, जैसे कि मैं यहां पे लेके चलता हूं पिंक में, करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो ये कुछ भी आप यहां पे कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को लेके एंड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को लेके। अब इसके बाद में आपको मिलता है इसके अंदर मेथड आपका फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड सेम। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए एलिमेंट से तो आप समझ गए कि आपके जितने भी एचटीएमएल के डॉम बन रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट जो भी आप बोलना चाहें, तो वो चीज आपकी वहां पे डिजाइन होती है कैसे, एलिमेंट के साथ में टैग्स से। ठीक है, तो आप एलिमेंट गेट कर पा रहे हैं यहां से। बट जब कभी भी आप यहां पे अगर मैं इसको करूं पहले कमेंट और आपको मैं यहां पे केवल फर्स्ट चाइल्ड लिख के दिखाऊं तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट देखने को? तो यहां करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद में यहां चलेंगे तो यहां पे हमें क्या देखने को मिला, टेक्स्ट। इससे प्रीवियस वाली के मैंने वीडियो के अंदर आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, यहां पे मैंने चाइल्ड नोड्स एंड चिल्ड्रन, ये दो मेथड्स मैंने पढ़ाए थे प्रीवियस में, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से ही देखने को मिल रहा था। देखिए एक बार और मैं आपको अगर दिखाऊं वो प्रीवियस वाले में क्या पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैं यहां पर क्या करता हूं चाइल्ड नोड्स। ओके, मैं करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद यहां आते हैं, यहां पर आने के बाद आप देखेंगे कि जितने भी स्पेस अगर हम देते हैं एंटर स्पेस जो भी आपका ब्राउजर गेट करता है, जो हमारे एडिटर में हम देते हैं, उसकी वजह से यहां पे आपको स्लैश एन देखने को मिलेगा, इट मींस कि न्यू लाइन, और वही आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी सेकंड नंबर पे भी। ओके, बट आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम जब कभी भी जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी चीज को तो वो एलिमेंट हमारे पास में एग्जिस्ट होना चाहिए। बट अगर आप इस चीज को मॉडिफाई करने जाएंगे तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा। देखिए कैसे, अगर सपोज मैं यहां क्या करता हूं अभी आपका यहां पे आपका मैं लेता हूं चाइल्ड नोड्स, ठीक है, और इस पे मैं कर देता हूं जीरो, ध्यान रखिएगा, और मैं करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए क्योंकि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है वो, ध्यान रखिएगा, वहां पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि स्पेस है वो, दैट्स वाई आप उसको वहां पे चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से अगर आप यहां पे फर्स्ट चाइल्ड भी लिखते हैं ना, और फर्स्ट चाइल्ड में भी आप इस चीज को करते हैं, जैसे कि मैं अभी फिर दोबारा इसको करता हूं कमेंट। ठीक है, मैं यहां पे दोबारा आपको फर्स्ट चाइल्ड लिख के दिखाता हूं, देखिए पहले कि किस तरीके से आपको मिल रही है। यहां पे मैं करता हूं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद आपको ये मिल रहा है। ओके, अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड को डिजाइन करना, इट मींस कि मैं पूरा का पूरा चेंज कर सकूं, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे सबसे पहले इसे अनकमेंट करा एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको फर्स्ट चाइल्ड। ओके, एंड मैंने स्टाइलिंग वही सेम रहने दी यहां पे, तो ये वर्क होगी। तो मैं यहां पे करूंगा इसको सेव। एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए अनडिफाइंड ही आपको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक एम्प्टी स्टेट है, ध्यान रखिएगा, इट मींस कि वहां पे कुछ है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा हमें वहां पे। और ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पे अगर मैं लास्ट आपको दिखाऊं लास्ट चाइल्ड और ऊपर वाले को फिर दोबारा कमेंट कर दें अभी और करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए लास्ट में भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, आप समझ रहे हैं। तो यहां पे आपके फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं आउटर को नहीं लेता अब, ठीक है, तो मैं लेता हूं यहां पे चाइल्ड सी को, ठीक है, ये एक हमने पेरेंट एलिमेंट लिया है। एंड इसको यहां पे लेने के बाद मैं करता हूं पेस्ट, करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो मेरे को सी देखने को मिला। अब ये सी क्यों? क्योंकि आपका जो डिव है यहां पे तो कोई स्पेस नहीं है आपका। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये दिख रहा है आपको, एक लाइन में मैंने इसको लिखा हुआ है डिव आईडी, आईडी के बाद सी, एंड यहां पर डिव आपका क्लोज है, दैट्स वाई आपका फर्स्ट एलिमेंट भी सी होगा, लास्ट एलिमेंट भी सी होगा। बट अगर मैं यहां पे इस चीज को करूं कॉपी एंड यहां कर दूं पेस्ट, ठीक है, करूं सेव। एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो यहां पे भी आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, दिख रहा है आपको। और यही चीज अगर मैं फर्स्ट में भी दिखाऊं आपको तो देखिए मैं करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आप देख रहे हैं, तो ये स्पेस के लिए भी लेता है। तो फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट हाँ फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड एंड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड को हम ज्यादातर यूज करते हैं गाइस।
तो यही आपके डिफरेंसेस हैं, इसी तरीके से आपको यूज करना होगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाली पार्ट में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट सिबलिंग प्रीवियस सिबलिंग मेथड के बारे में, ये दोनों मेथड्स कैसे चलते हैं आपके इसी डॉम के अंदर ही, सब कुछ देखेंगे हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक लाइक टिल देन बाय बाय गाइस।